हम भी फुटबॉलर हैं, हमको भी भाईचुंग सर को कुछ स्किल्स करके बताने हैं। ऊपर आगे बताओ, जरा आगे मिलो अपने आइडल से। कहाँ से आए आप तीनों, पहले तो अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम मनन है। मनन, हाँ। और इनका? My name is प्रशम। प्रशम। मेरा नाम भाग्य है। भाग्य, आप कहाँ, मुंबई में रहते हैं आप? हाँ। मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। कैसे लग रहा है आप भाई चुंग को सामने देख के? अच्छा। जाओ पहले मिल के आओ, जाओ भाग के जाओ। They want to show skill भी। आ जाओ बेटा, फुटबॉल कहाँ है आपका, भेजो भी इधर। हेड पास करते हेड। थैंक यू बच्चो। कपिल सर को भी हेडिंग कराते हैं क्या बेटा? हेडिंग मैं उल बेटा अपना काम ना ठीक चल रहा है, बेइज्जती क्यों करानी है ना। जाओ आप, थैंक यू बेटा, फुटबॉल ले जाओ। वेरी गुड। तुझे बीच में खेलने का मन हो रहा था ना? नहीं, भागने का मन कर रहा था। आओ भाग के देखते हैं, आ जाओ इधर आओ, चलो आ जाओ। ओके, तो यहाँ से वहां तक भागते हैं, जो पहले भागा। ओके, काउंट मैं दे रहा हूँ। तो ज्योति ऐसे इधर आइए, पर कहाँ तक जाना है हमें? जो वो स्पीकर दिख रहा है ना आपको, ये जो पड़ा है यहाँ तक जाना। मैं चीटिंग करके भी नहीं जीत पाया, इतना इजी नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आप जीत गए। एक स्टार्टिंग का सिखाएंगे ब्लॉक में, कैसे हम स्टार्टिंग करते हैं। जब वो फाइनल में जाते हैं हम, तो ऑनियन मार्क बोलते हैं। ऑनियन मार्क्स, तो उस टाइम में बॉडी और माइंड को पूरा कंसंट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ब्लॉक में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो फाउल करके निकल देते हैं। वो जो लेन्स बनी होती है उसी में भागना, उसी लेन में जाना है। अच्छा। और लेन से इधर उधर भी नहीं होना, किसी को टच भी नहीं करना। अच्छा जी। और गोन आवाज से पहले अब निकल जाए तो फिर निकल देते, तो गोन की आवाज के हिसाब से आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा। तो सोचा अब ऐसे क्लैप करना, मैं उसी हिसाब से निकलेंगे। ओके, ऑन योर मार्क्स सेट। क्या बात है भाई, यू नो ब्यूटी इन मोशन। आपको देखकर ऐसा लग रहा था कितनी खूबसूरती की चीज दिखाई दे रही है हमको। थैंक यू, रियली ब्यूटी इन मोशन, वंडरफुल। बैचुंग के साथ आपने फुटबॉल खेल लिया, दुति ने भी भाग के दिखा दिया। संदीप पाजी को एक्टिंग का शौक है, हॉकी तो नहीं इधर खेल सकते, पर अगर किसी को डांस वांस का कोई शौक हो, आइए दो, एक दो, चलो सर पाजी आज तो आपकी लॉटरी लग गई। हाँ जी आइए आइए मैम, आइए दो हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम, आइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रति शर्मा है। रति? यस, रति शर्मा। रति कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। और आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुचिका गिल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
3 cheers for Hippe Phurre, we all will say for Kapil. So sweet, thank you, shukriya. अरे बाप रे, ऐसी बातें मत करो. I'm sorry, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, but मेरे father is a cancer patient and my mother is a asthma patient. And उन दोनों ने, मैं एक दो साल से कोशिश कर रही हूँ, मैं हर बारी शो में आती हूँ, मैं कपिल से मिल नहीं पाती हूँ. वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं. वी आर 3 सिस्टर्स एंड वो हमेशा कहते हैं हमारा चौथा औलाद जो है वो कपिल शर्मा है, जो हमें हंसाता है. कैसे हैं अभी आपके पापा मम्मी? ठीक है, फाइन. मेरी मॉम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आई हुई है, मैं दिल्ली से आई हूँ. शी डेली, जब भी उनका एक हंसने का मोमेंट होता है, वो सिर्फ कपिल शर्मा का शो देखकर होता है. रात दिन वो यूट्यूब में बार बार आपका देखते हैं. मेरे फादर को दो बार ही कैंसर हो चुका है. एंड आई स्वेयर, धन्य है वो माँ जिन्होंने आपको जन्मा है, क्योंकि यू आर एक्चुअली ट्रू इंस्पिरेशन फॉर अस. दिल नहीं हल्का करना. अभी मम्मी कैसी? ठीक है, बस मम्मी को कहो खुश रहा करें. बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग हंसते खेलते ठीक हो जाती हैं. मेरे फादर को भी कैंसर की प्रॉब्लम थी, तभी शो नहीं आता था. गॉड ब्लेस. और आपके मम्मी पापा, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें. ओके, तो संदीप पाजी आइए. फिल्मों में एक एक हिरन होती है, हम आपको दो हिरन दिए. देखो भाई, आपको 3 मिली थी. हाँ जी, आपको 3 मिली. आपका बड़ा ध्यान है. वाओ, क्या बात है. थैंक यू रुचि, थैंक यू रुचिका, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू रति, तुम्हारे नाम थैंक यू. एक्चुअली मजा इसने ले लिया डांस. मैं सीख रहा था, बहुत अच्छा करती रति. आइए आइए रुचिका, आइए रति. थैंक यू. सच्ची बताओ, आज दिल से मैं बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है. क्योंकि ऐसे लोग आए आज शो पे जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करते. जोरदार ताली हो जाए. हाय दूति जी, कैसे? ठीक है. आपको पता है इस दुनिया में लोगों की तूती बोलती है, आज हमारे शो पे दूती बोल रही है, कितनी बड़ी बात. बैठिए बैठिए. कैसे? हाय भाईचुंग सर, कैसे? गुड गुड. मैं आपको सच्ची बात बोलूं दिल से, मैं जिंदगी में ना बहुत सारी चीजों को बाय चांस देखा है, बाय मिस्टेक देखा है, लेकिन भाईचुंग पहली बार देखा. हाय संदीप सर, कैसे? हेलो. अरे आप पे क्या बातें बनानी सर, आप पे तो पूरी की पूरी सुरमा बने ली. एक बार जोरदार ताली हो जाए. कपू, मैं इन लोग को चैलेंज देने के लिए आई ली आज. क्या क्या चैलेंज देके आएगी? ये देख बैडमिंटन. लेकिन ये खेलते नहीं बैडमिंटन. हाँ तो इनके गेम में चैलेंज देके मेरे को मरना है क्या? मेरा जो छावाई ना नाला सुपर है, मैं मुकेश. वो मेरे को समझाया था कि इंसान जो चीज में माहिर रहता है ना, उसमें उसको चैलेंज नहीं देने का. अब जैसे हमारी अर्चना जी, ये जिस चीज में माहिर है ना, इनको कोई कभी चैलेंज दे नहीं सकता. कैसे? वैसे अर्चना जी, आप कौन सी चीज में माहिर है? सपना, अर्चना जी से ऐसे बात करते हैं? ऐसे बात करे? तूने ये पंच दिया था मेरे को पीछे, बोला था स्टेज पे आके बोल देना. बदमाश. हाँ, मैं सच्ची बोलती हूँ, वो 3 चीज तो मैं बोल नहीं रही क्योंकि हमारा फैमिली शो है. कौन से 3 चीज? इसने बोला था उनको बोल देना आई लव यू ऐसा. बट सच में प्यारे, आपका ड्रेस बहुत अच्छा मेरे को लगा. एकदम मडलैंड की शहनशाह लग रही है. हाय भाईचुंग सर, कैसे? बस गुड. मैं आपका बहुत देखती है, वो कप रहते ना फूफा कप. फूफा कप नहीं है, फीफा कप होता है. क्या बात कर रहे हैं? फीफा कप. इस चक्कर में हम लोग नाला सोपारा में 4 दर्जन फूफा खर्च कर चुके हैं. ऐसे फूफा के साथ कौन खेलता है? हम लोग खेलते हैं. हम लोग क्या करते हैं, गोल की जगह पे फूफा को खड़ा करते हैं. सच्ची में अगर फूफा को बॉल लगा तो गोल, नहीं लगा तो प्लेयर गोल. ऐसे रहते. अच्छा सर, मेरे को आपको पूछने का था. जी जी. सर आप लोग ऐसा फ्रंट किक मारते, बॉल को साइड किक मारते, लेफ्ट किक मारते, इतना किक मारते, बॉल स्टार्ट क्यों नहीं होते? मैं सच्ची बोलती है, पेट्रोल डाल के देखो, हो सकता है स्टार्ट हो जाए. संदीप सर, आपका भी हॉकी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. वो आदमी कौन है बीच में जो अपना पब्लिसिटी करके अपना ऐसा विजिटिंग कार्ड दिखाते रहते? अबे वो विजिटिंग कार्ड नहीं दिखाता वो. फिर क्या? पेनल्टी दिखाता है, कार्ड दिखाता है, रेफरी होता है वो. पेनल्टी? हाँ. पेनल्टी कौन पीता है? ग्रीन टी पीने का है तो ब्लैक टी पीने का. सच्ची में
ये प्लेयर लोग कितने फिट रहते हैं मालूम है? हाँ। ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, हाँ। है ना? आप लोग कैसे रहते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने का, फिर केक नहीं खाने का, इनको ये नहीं मांगता, इनको वो नहीं मांगता, तो क्या मांगता? जूली जूली तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाओ जूली, तो मेरी जान है जान। सर सॉरी, मेरा ना गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है सर। मेरा ना बार बार ऐसे डांस निकल जाता है सर। आपको पता है सर, मेरा जो वो छावा है ना भाईचुंग सर, वो आपके जैसा बहुत फॉरवर्ड खेलता है। चल झूठ बोलती है, मुकेश तो फुटबॉल खेलता ही नहीं है। नहीं नहीं वैसे वाले नहीं, वो दिवाली में जो मैसेज फॉरवर्ड करते ना उसकी बात कर रही है मैं। सर वो मैसेज भेजते ना कि शाम तक 10 लोगों को भेज देना, माता रानी आशीर्वाद देगी। संदीप सर उसको ना हॉकी का भी बहुत शौक है। वो भी हॉकी खेलता है? नहीं खेलता ही नहीं है, मैंने बोला उसको शौक है। उसके क्या पैर बहुत पतले है ना, जब कच्चे में पैर डालता है ऐसा लगता है तो हॉकी रखेला है। सर हम लोग का ना उधर नाला सोपारा में डुक्कर वॉशिंग सर्विस है सर, और अभी डुक्कर का स्विमिंग क्लासेस भी चालू किया है हम लोगों ने। इतने बड़े प्लेयर बैठे, तो क्या डुक्कर की बातें कर रही है? हाँ तो डुक्कर के सामने में मैं बड़े बड़े लोग की बात करती हूँ, डुक्कर कुछ बोलता है क्या? कुछ नहीं बोलता है ना। अच्छा दूती जी, मेरे को आपको पूछने का था जी। आप ऐसा 100 मीटर में भागते हैं ना जी। हाँ तो मेरे को 6 मीटर दो ना, मेरे को सूट सिलवाने का था। क्या फालतू की बातें कर रही है, टैलेंट दिखा उनको अपना। मेरे पास बहुत टैलेंट है बाइकिंग सर, मेरे बहुत टैलेंटेड भी है मैं। जी जी। मैं ना ऐसा साइकिल के हैंडल के ऊपर बैठ के ऐसा साइकिल चला लेती है, मैं ऐसा खड़े होकर 2 मीटर तक फूंक भी लेती है मैंने। सर ये तो कुछ नहीं है, मैं ना नाक से गुब्बारे भी फुलाती हूं सच्ची में, और वो भी कुछ नहीं है, जिस दिन जुकाम रहता है ना तो ग्रेवी वाले गुब्बारे फुलाती है। सर आप ना मेरे को नाला सुपरा में 2 दिन के लिए लगेंगे। ये क्यों लगेंगे भाई? अरे उधर खंडर है ना, तो वो बेचने का है, तो थोड़ा भूतिया मॉल बनाना है, तो इनको लेके जाएगी मैं। सपना होगी तेरी बातें? नहीं बातें अभी हुई नहीं है, मेरा सर पार्लर है, मैं भी काम करती इधर सपना ब्यूटी पार्लर जी जी। तो हमारे पास बहुत ऐसा ब्यूटी टिप्स रहता है हम लोग के पास में, तो मैं आपको मैम आपको बताएगी आईब्रो सेट कैसे करने का। कैसे करने का? बहुत इजी रहता है उसमें, क्या आप मोबाइल लो और आईब्रो को मैसेज करने, कैसी है तू, क्या चल रहा है तेरा, फिर ऐसा लाइन विन मार के आई लव यू बोल के सेट करने का। और अगर फिर भी सेट नहीं होती है ना, तो 90 ml का 2 पैग उसको देने का, तो पक्का सेट हो जाएगा। इससे आईब्रो सेट हो जाते हैं? अरे ऐसे अर्चना जी ने परमित को सेट कर दिया, आईब्रो क्या चीज है। वैसे आप लोग इतने फिट है, मैं फिटनेस का भी टिप देती है। क्या? अगर आपको अपना पेट जो है वो एकदम अगर छुपाने का है, कम करने का है, तो उसका बहुत अच्छा आइडिया है। मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है, आप जिधर बैठे सामने टेबल रख दो। क्यों अर्चना? खैर सर, वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, तो हमारे पास आपके लिए स्पेशल मसाज है, गोल मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर का कपड़ा उतार के उसको तेल भी लगाते हैं, फिर उसको लिटा देते हैं, वो जैसे गहरी नींद में सोता है ना, उसका कपड़ा और पर्स लेके गोल हो जाते हैं। फिर आपके लिए स्पेशल मसाज है हमारे पास, 100 मीटर रेस मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर को तेल लगाते हैं और लाल रंग का कच्छा पहन के ग्राउंड में खड़ा करते हैं, फिर पीछे से एक सांड छोड़ते हैं। अगर सांड ने उसको छोड़ दिया तो उसका मसाज करते हैं, वरना जो करता है सांड करता है। फिर हमारा दूसरा मसाज है सर आपके लिए, फुटबॉल मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या, कस्टमर कपड़ा उतर के पूरा बॉडी पे तेल लगाते हैं, लेकिन फुट पे जो बाल रहते हैं ना उसका ही मसाज करके छोड़ देते हैं। ऐसा रहता है फुटबॉल। फिर हमारा आपके लिए सर एक और मसाज है, फॉरवर्ड मसाज। अच्छा। इसमें क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो आगे जाता है, वो दूसरे कस्टमर को तेल लगा के फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं।
हम लोग ऐसा तब तक करते जब तक शाम तक कोई गुड न्यूज नहीं आ जाती था फॉरवर्ड फॉरवर्ड के आपके लिए एक और स्पेशल मसाज है क्या बूटिया मसाज वो कैसे होता है उसमें क्या रहता है हम लोग कस्टमर को तेल लगा के अंधेरे में ऐसा लिटा देते हैं फिर अर्चना जी को बिना मेकअप के अंदर भेजते हैं अरे सॉरी सर मेरे को जाना पड़ेगा बहुत जल्द मैं भूल गई थी वो विश्वनाथन है ना चेस वाला उसका आनंद का मसाज करने जाना है मैं चलती है बाय